लुधियाना के मॉडल ग्राम स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में आज बादल विरोधी पंथक दल द्वारा बुलाए जा रहे दूसरे सरबत खालसा की रूपरेखा तय करने को लेकर एक गुप्त बैठक पांच प्यारों की अध्यक्षता तले हुई, जिसमें बादल विरोधी दलों व संगठनों के प्रमुखों व प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मीटिंग को बेहद गुप्त रखा गया तथा मीडिया को भी इसकी भनक नहीं लगने दी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार मीटिंग 10 नवंबर को दूसरा सरबत खालसा बुलाने पर विचार विमर्श किया गया है तथा इस बारे सरबत खालसा द्वारा थापे गए तीनों तत्वों के जत्थेदारों के साथ विचार विमर्श करने की बात भी कही गई। आज असि उन्हां जत्थेबंदियां उन्हां वीरां दी मीटिंग बुलाई सी जिन्हां ने 18 तरीक नूं चंडीगढ़ विखे साडे कोल उत्थे पहुंच के उन्हां ने अपने विचार दित्ते सन ते अज फिर उन्हां नाल विचार वटांदरा आया पॉजिटिव माहौल दे विच सारा कुछ होया ते जो भी होएगा अगली कारवाई जिहड़ी आ ओह पंथ नूं दस दित्ती जावेगी। अज दी मीटिंग विच इह फैसला कीता गया कि पंथ दी एकता वास्ते सारे रल के पंथ दी एकता नूं कामयाब करिए ते पंथ दी एकता चढ़दी कला वास्ते बादल साहब नूं इस आउण वाली इलैक्शन दे विच सत्ता तों ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तों हटाना जाना चाहिए ते सिख नूं किसे नूं वी अकाली दल बादल वोटां नहीं पाणी। मीटिंग च पंज प्यारे साहिबानां दी अध्यक्षता च मीटिंग हुई है ते बाकी सारियां जथेबंदियां ने शामिल। सरबत खालसे दा फैसला है भी पंथ दी एकता लई सारिआं नाल उहनां नाल विचार वटांदरे करके ते जिहड़े अगां शमूलीयत होवेगी उहदे बारे हां पंज प्यारे उहनां नाल जा के मिल के गल्लबात करनी तिन्हां जथेदारां नाल।